हम आपको आज बता रहे हैं कि जब कोई ग्रह आपको परेशान करता है या जीवन में किसी ग्रह की वजह से दिक्कत होती है तो हम ग्रहों की शांति के लिए और ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए दान करते हैं। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के लिए दान की क्या विशेषता है। जब आप ग्रहों के लिए दान करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा महत्व क्या है और ये पूरा मामला क्या है। ग्रहों के लिए दान का अर्थ होता है कि आप उस ग्रह के प्रभाव को जीवन से समाप्त कर रहे हैं। जैसे मान लिया अगर आप शनि का दान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शनि के प्रभाव को आप अपने जीवन से समाप्त कर रहे हैं। जो ग्रह जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है उसका दान करना अच्छा है। जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए निगेटिव परिणाम देता है, जो ग्रह कुंडली में समस्याएं पैदा करता है उसका दान करना अच्छा होता है। लेकिन जो ग्रह आपके लिए अनुकूल है, जो ग्रह आपके लिए फायदेमंद है, उस ग्रह का दान करना कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। जो ग्रह जीवन में आपको शुभ फल देता है, जो ग्रह अनुकूल है, अगर आप उसी का दान कर देंगे तो जीवन की शुभता कम हो जाएगी और जीवन की शुभता कम होगी तो आपको खराब परिणाम प्राप्त होंगे। जिन ग्रहों की दशा अनुकूल न चल रही हो उनका दान भी उनकी दशाओं में किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन जब उसकी महादशा आई, जब उसकी अंतरदशा आई तो उसने आपके लिए समस्याएं पैदा कर दी। तो जिन ग्रहों की दशा अनुकूल न हो उनका दान उनकी दशाओं में आप कर सकते हैं ताकि उनकी दशाओं में उसके दुष्परिणाम, उसके खराब रिजल्ट्स आपको ना मिलें। कुछ ग्रह कुंडली के लिए हमेशा अशुभ होते हैं। चाहे आप लाख प्रयास कर लें, कुछ ग्रह कुंडली के अशुभ ग्रह होते हैं और वो जीवन में अशुभ परिणाम देते ही हैं। उनका दान अगर आप नियमित रूप से करते रहें तो उनकी अशुभता कम होगी, जीवन में सामान्यतः मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। तो ग्रहों के दान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस ग्रह का दान करते हैं वो आपके जीवन से दूर जाता है और उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो जो ग्रह जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा हो उसका दान करना आपके लिए बेहतर होगा।